हेलो गाइस, आज मैं आपको इडली बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इडली बहुत ही अच्छा नाश्ता है। ये साउथ इंडियन डिश है और हम इसे चटनी से या सांबर से खा सकते हैं। वेलकम टू अक्षिताज किचन। ये आप देख सकते हैं मेरे इडली का बैटर है। अगर आप इडली का बैटर बनाना नहीं जानते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है इसका लिंक। मैंने उड़द दाल सबको भिगा के पीस लिया था और अब आप देख सकते हैं मैंने इडली के बर्तन में तेल लगा दिया है। तेल इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी इडली जब हम निकालने लगे तो चिपके ना, इसीलिए हमें तेल अच्छे से लगा देना चाहिए। और मैं अब एक एक करके बैटर को डालूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे बर्तनों में इडली का बैटर डाल दिया है और मैंने इडली के बर्तन में 2 ग्लास पानी डाला था। जब वो उबलने लगा तो मैंने इडली का बैटर डाल के रख दिया है और गैस को फास्ट ही रखना है, 5 से 7 मिनट बाद स्लो कर देना है। अब आप देख सकते हैं मेरी इडली बन के तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं मेरी इडली पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है और हम चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं मेरी इडली पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही स्पंजी है मेरी इडली। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।